पूरी दुनिया को इनके प्रयासों से ये पता चला कि किस तरह की डेटा में दवाइयों को बनाने में उनकी टेस्टिंग में गड़बड़ियां हो रही थी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। कंपनी हमारे हरियाणा में सोनीपत में कफ सिरफ जो बच्चों को खांसी होती है ना, ये एक्सपोर्ट किए थे। 66 बच्चों की ना मौत हो गई इस इनकी दवाइयां लेने के कारण। पर यही सिचुएशन ना 2019 दिसंबर में जम्मू में हुई थी। पीजीआई चंडीगढ़ बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने उनकी जांच पड़ताल किया, उसमें ये पाया गया कि 33% कॉफ सिरप का एक ऐसा केमिकल है जो कभी दवाई में यूज नहीं होता, जो कार के अंदर जो हमारे ब्रेक ऑयल कहते हैं ना, उसमें यूज करते हैं। इस चीज़ को समझ आता है, एक बारी कोई गलती कर सकता है, दो बारी कर सकता है, पांच बारी गलतियां हो रही हैं, तो मतलब नियम में गड़बड़ है हमारा। एक दवाई का सफर कितने स्टेप से होके गुजरता है? 75 साल हो गए हमारे यहाँ पे, हमने कोई एक नई दवाई का इजाद नहीं किया इस कंट्री के। जो ड्राफ्ट आया उसको लेके आप नाखुश थे, तो क्या चीजें हैं, क्यों नहीं सजा हो पाती है इन कंपनियों में जो ऐसी गड़बड़ी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल? पीक कोविड के अंदर एक हवा बचा हुआ था, एक दवाई बनी थी रेमडेसिविर। बिहार में रेमडेसिविर का इंजेक्शन जिसको दिया था उनकी मौत हो गई। कोलकाता में जांच हुई, पता लगा कि इंजेक्शन जो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है उसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन था, इसके कारण लोगों की मौत। एज अ कंज्यूमर मैं क्या अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए कर सकता हूँ कि मतलब मुझे पता हो कि कौन सी दवा लेनी है या नहीं लेनी? हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने ना अपने प्रैक्टिस से एक मन बना लिया, उनको पता है कौन सी दवाई काम करती है कौन सी दवाई काम नहीं करती है ना, तो वो उसी दवाई को देते हैं। कई लोग कहते हैं साहब अच्छी कंपनियों की दवाई खरीदो तो आश्वस्त रह सकते हो। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट में के पास क्या सुविधाएं हैं जो टेस्ट कर सके? एक मशीन है 16 साल पुरानी है, वो भी आज काम नहीं करती है। अब बताओ क्या टेस्टिंग करोगे? डायबिटिक हूँ तो एक रात वाली जो दवाई आती है वो सिर्फ एक कंपनी बनाती है, और आज की डेट में वो इतनी महंगी है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ इतनी जोर से बढ़ रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात जो आप कर रहे हो ना, वो खत्म हो चुकी है हमारे पास। क्या रास्ता होगा ये जानने का कि जो दवाई डॉक्टर लिख रहा है वो मेरे लिए या मेरे रिश्तेदारों के लिए सही है? फार्मा कंपनीज इन्फ्लुएंस करती है डॉक्टर्स को गिफ्ट्स के तरफ, ट्रिप्स के तरफ, यू नो कुछ भी देखें।